एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल कविता जी का ओपन। कैसे हो आप सब? ये देखिए, इतनी तेज़ गर्मी में प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं और बिल्कुल डटे हुए हैं, हार मानने को तैयार नहीं है। तो फिर हम क्यों हार मानने को तैयार हो? हम भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे करी पत्ता के प्लांट में कितनी सारे इसके सीड बन रहे हैं। फ्लावर मैंने दिखाया था और हमेशा इसका फ्लावर मैं लगाती भी रहती हूँ। जो हमारा कम्युनिटी टैब होता है, चेक किया करो, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट आप सबके साथ में शेयर करती रहती हूँ। आज एक कमाल का वीडियो है। अगर आपके भी बहुत सारे प्लांट, जैसे कि मेरे, मैं कोई दुनिया से, भारत से अलग नहीं हूँ, मैं भी भारत में ही हूँ, अगर आपके भी बहुत सारे प्लांट इस टाइम पर सूख रहे हो तो आप कैसे उनको सर्वाइव कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, ये मैं बता चुकी हूँ। 2-3 वीडियो आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अगर इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरे प्लांट हार मानने को तैयार नहीं हैं, तो क्या ऐसा कुछ दिया है मैंने जिससे मेरे प्लांट अभी तक डटे हुए हैं, मुझे फ्लावरिंग दे रहे हैं? वो है मेरे कमाल कंपोस्टिंग का, जो मैं अपना कंपोस्ट घर पर तैयार करती हूँ। वो कंपोस्ट जो मैं इनमें डालती हूँ, उसी का कमाल है ये, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो घर पे बना हुआ होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होता है। और उससे भी बड़ी बात कि उसमें सारे के सारे पोषक तत्व एक ही चीज़ में मिल जाते हैं। तो कैसे, क्या मैं करती हूँ, चलिए आप सब के साथ में शेयर करती हूँ। लगभग 5-6 साल हो गए हैं, पहले मेरा एक चैनल था सिस्टिकेटिवारिया हेयर एंड ब्यूटी टिप्स, आज उसका नाम है, पहले मैंने उसको सिस्टिकेटिवारिया रखा था, उसी पर मैं गार्डनिंग करती थी और वहीं पर मैंने सबसे पहले अपना कंपोस्टिंग करना स्टार्ट किया था। तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बोल रहे हैं। चलिए बताते हैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब आपको दिखाते हैं। पहले मेरा कंपोस्ट ही देख लीजिए, घर का बना हुआ काला सोना जिसे बोलोगे आप, ब्लैक गोल्ड, वो मैंने इसमें इकट्ठा करके रखा है। और ये देख सकते हो आप, सारे पोषक तत्व हैं इसमें। कैसे बनाती हूँ, तो देखिए रोज़ कुछ ना कुछ हम गार्डन में करते हैं। तो जैसे कि मैं 2 दिन पहले टेरेस पर आई थी, इसी टाइम शाम के टाइम, तब मैंने ये किया था, इस वाले पॉट को भरकर रखा था और उस वाले पॉट को भरकर रखा था वहाँ, वो जो रखा है। तो आप बोलोगे इसमें तो मौसमी के, संतरे के छिलके हैं, पता नहीं क्या क्या भर रखा है, तो ये तो एक्स्ट्रा में मैं करती हूँ। आप कैसे करोगे अपने घर पर, मान लीजिए इस तरह का कोई कट्टा ले लिया, या फिर आप गार्डनिंग ही कर रहे हो तो कोई भी गमला हो, इस टाइप का उस टाइप का, कोई भी कैसा भी हो, जब आप बिलीव नहीं करोगे, शुरुआत में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की तो अपने किचन से 4 डब्बे निकाल कर लाई थी, उन्हीं डब्बों से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने कंपोस्टिंग स्टार्ट की धीरे धीरे करके, हस्बैंड ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया, पहले कट्टे लाए, फिर इस तरह के ये मेरे लिए ये कैन जिसे बोलते हैं ये खरीदी, फिर हमारे घर पर ही टेरेस पर ये टैंक पड़ी थी जिसको पहले ज़माने में डीजल आता था, वो उस तरह की कैन पड़ी थी। जब हमने ये घर खरीदा था, ये मकान खरीदा था, तो उनकी छत पर ही पड़ी थी, तो मैंने इसको भी वेस्ट नहीं जाने दिया, इसका भी यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारी टंकी जो है, ये लगभग 40-45 साल पुरानी टंकी होगी, मैंने इसको भी फेंकने नहीं दिया कि मैं इसमें कंपोस्टिंग करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी भी दिख रही हैं, सब में मैं नीचे कंपोस्टिंग करती हूँ और उसके बाद साल में एक बार इनको खाली करती हूँ। ये 6 महीने में खाली होते हैं, बड़े डब्बे हैं, ये पूरा एक साल में खाली करती हूँ और ये इस तरह के 6 महीने में खाली कर देती हूँ। अब अगर इस तरह का किसी में कुछ कर रहे होगे तो 3 महीने में हो जाता है। और ये मेरे सामने रखी है एक, इसमें अभी करंट में हमारी कंपोस्टिंग चल रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नीचे की तरफ होल बना देना, जिसमें भी आप कंपोस्टिंग करोगे, एक बनाओ, 4 बनाओ 10 बनाओ, जितने आपको अच्छा लगे उतने बना लेना। नीचे, सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी, वहाँ पर एक मिट्टी की पतली सी लेयर बनाना। मैं हमेशा मिट्टी की पतली लेयर नीचे रखती हूँ, पहले होल बनाओ, ईंट पत्थर के टुकड़े रखो, मिट्टी की लेयर बनाओ, उसके ऊपर डालते रहो। अब यहाँ देखो, मैंने इसमें खीरे वीरे केले पेले जो भी मेरे घर से निकलता है वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ, रोज़ यही करती हूँ, जो भी आता है सब इसमें डालते रहते हैं। तो आज आम क्या लाए हैं, इसमें है हमारा मैंगो के छिलके, और जिसे हम तरबूज खरबूज जो आते हैं ना, खरबूज के छिलके हैं ये, इस तरह से डालती रहती हूँ। जब एक पतली सी लेयर बन जाती है तो उसके ऊपर मैं ड्राई चीज़ें डालती हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको ये डालकर बताऊँगी, ये संतरे के छिलके या कॉपी किताब के पेज वगैरह हों वो डाल लो, या कोई भी पुराना चीज़, सूखे पत्ते पड़े हों वो डाल लो, जो भी आपके गार्डन से, आपके टेरेस से निकलता है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बस पका हुआ खाना इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, यही प्रोसेस आपको दोबारा तिबारा रिपीट करते रहना, जब तक ये ऊपर तक ना भर जाए। जब ये ऊपर तक भर जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़कना, अगर सूखा है तो, गीला है तो आपको पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मटेरियल हमेशा गीला रहता है। और जब ये ऊपर तक भर जाता है, मैं थोड़ा सा इसमें या तो दही का पानी डाल देती हूँ, या लस्सी डाल देती हूँ, या फिर गुड़ का पानी डाल देती हूँ, और ऊपर एक पतली सी लेयर बना देती हूँ। मेरे कंपोस्ट की, कंपोस्ट है तो वो कर दो, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट रखा है, एक पतली सी लेयर बना दो, फाइनल ऊपर एक मिट्टी की लेयर बनाओ और इस तरह से ढककर रख दो, ठीक है।
हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में इसको थोड़ा सा हिला दिया करो, ऊपर नीचे हिला दोगे तो ये 2.5 से 3 महीने में बनकर जो आपके सामने आएगा वो क्या है, वो ये है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है, इस बार मेरे पास बहुत ही सारा ब्लैक गोल्ड बनकर तैयार हुआ, क्योंकि मैंने इस बार अपनी टंकी जो है 500 लीटर की वो खाली की, और उसके बाद इस तरह की बहुत सारी बकेट जो थी वो खाली की, सबको खाली करके तो बहुत सारा कंपोस्ट इस बार मुझे मिला। उसी कंपोस्ट में मैंने मिट्टी वगैरह मिक्स करके और अपना पॉटिंग मिक्स बनाया और बहुत सारे प्लांट, आपको पता ही है कि फरवरी में हम सारे के सारे प्लांट रिपोर्ट करते हैं, तो सारे के सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए। आपको भी ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कंपोस्टिंग करके देखो, मज़ा बहुत आता है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।